देवबंद के मंगलोर बस स्टैंड पर अवैध रूप से ट्रक में कुछ अवैध लोगों द्वारा जमीन पर हो रहे अतिक्रमण का निरीक्षण करने पहुंची क्षेत्रीय विधायक उप जिलाधिकारी नगर पालिका अधिशासी। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक कुंवर विजय सिंह ने बताया कि आज निरीक्षण करने का उद्देश्य यही है कि ये संपत्ति नगर पालिका की है। उन्होंने बताया कि हम लोग परिवहन निगम की ओर से नगर पालिका को इसकी एक निश्चित धनराशि का प्रतिमाह भुगतान करते हैं। उन्होंने बताया कि मुझे परसों जानकारी मिली थी कि कुछ ट्रक मालिकों और कुछ अवैध लोगों ने यहाँ की संपत्ति को अतिक्रमण किया हुआ है। मैंने आला अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रकार की जो भी इस तरह की कार्यवाही है उसे बंद कराया जाए। निरीक्षण करने का उद्देश्य ये था कि ये संपत्ति नगर पालिका की है और हम लोग परिवहन निगम की तरफ से नगर पालिका को इसकी एक निश्चित धनराशि का प्रतिमा भुगतान करते हैं। मुझे परसों ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर कुछ ट्रक मालिकों के माध्यम से और कुछ ऐसी अवैध लोगों ने यहाँ की संपत्ति को अतिक्रमण किया हुआ है। मैंने आला अधिकारियों को लेकर के इसको उनको निर्देश दिया है कि इसको तुरंत जो भी इस तरह की यहाँ पर कार्रवाई है इसको बंद कराइए और इसके सौंदर्यकरण का काम नगर पालिका के ईओ हमारे साथ हैं, वो एक प्रॉपर वे में इसका पूरा लेआउट बना करके जब हम सरकार की तरफ से उनको भुगतान कर रहे हैं नगर पालिका को, तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि इसके सौंदर्यकरण की यहाँ पर सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए उसका इंतजाम करें। और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मेरे साथ हैं, उनको भी कहा है शाम तक मुझे रिपोर्ट देंगे और अगले 10-15 दिन के अंदर इसको बिल्कुल हम दुरुस्त करके अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देंगे। देखिए जितनी यहाँ पे ट्रकेज हैं और ये जो अवैध डेरियाँ हैं इनको तो अभी तत्काल हटवाया जा रहा है। हटवाने के बाद इसकी साफ़ सफाई कराई जाएगी और कराने के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पर बसें खड़ी हैं। ऐसा कितनी बार हो चुका है, लेकिन कोई मतलब इनका नहीं पड़ रहा। अब मुझे तो पता नहीं, मेरे सामने तो पहली बार ये प्रकरण आया है और ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब बसें आएंगी अंदर तो ये खड़े भी नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए कि पूरी व्यवस्था कर दी जाए और बसें फिर भी अंदर ना आएँ तो ये तो दोनों विभाग की जिम्मेदारी है। यदि उनको हम लोग मुहैया करा रहे हैं जगह और संसाधन तो उस संसाधन का वो सदुपयोग करें। बसें अगर आना शुरू हो जाती हैं, पब्लिक आना शुरू हो जाएगी तो अपने आप कोई नहीं आएगा। और पहली बार सबसे पहले तो इसको ख़त्म तो किया जाए, बनाया जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब बस स्टैंड तो बनना चाहिए। नहीं सर, जो मतलब यहाँ कर्मचारी बैठता है रोडवेज का हाँ। उसको उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये कमरा मिलेगा सर? आज तक कमरा नहीं मिला रोड पे बैठा बेचारा भाग जाता है। भाई मेरे पास जो मेरी जिम्मेदारी है मैं वो करता हूँ। बस अड्डा बनाना ये मेरा काम नहीं, मेरा जो है कि इनकी साफ सफाई करके जितनी नागरिक सुविधाएं देना है वो मैं उसको करूँगा। अब कक्ष बना के दे पाना तो बड़ा मुश्किल है ना। मंगलोर बस स्टेशन है, इसमें कुछ लोग अपना जो है ट्रक वगैरह खड़ा करते हैं, ऐसे ही इसका बसें बाहर खड़ी होती हैं। इसके सौंदर्यकरण के संबंध में बात हुई है और इसके यहाँ से जितना अतिक्रमण उसे हटाने के संबंध में। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज़, हर खबर पर पैनी नजर।